पिछले कुछ दिनों से विधायकों के खूब सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कहीं मस्ती मजाक हो रहा है तो कहीं दूर रिजॉर्ट में बैठकर पारी हो रही है। अपने मन चाहे लोगों का ट्रांसफर हो रहा है, जो काम कई महीनों से अटके हुए थे अब जाकर के पूरे हो रहे हैं। विधायकों को प्रॉपर पैम्पर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा इलेक्शंस जो सर पर हैं, करोड़ों रुपए विधायकों के अय्याशी पर खर्चे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि विधायक जी को खुश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कहीं वो किसी भी बात से चटक ना जाए और चुनाव का गणित बिगड़ ना जाए। लेकिन एक तरफ जहां इन्फ्लेशन और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम पर है, वहां विधायकों पर यूं बेतहाशा पैसे खर्च करना कहां तक जायज है? क्या वाकई इतना जरूरी है राज्यसभा इलेक्शंस को जीतना? आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशी और आप देख रहे हैं अनकट। Why are राज्यसभा elections important? विधायकों पर इतने पैसे खर्च करना क्या वाकई वर्दी है? तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर वो हो शिवसेना, सभी के लिए राज्यसभा का एक एक सीट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राज्यसभा के पास होते हैं स्पेशल पावर्स, जैसे कि सजेशन इन अमेंडमेंट्स इन मनी बिल। जी हाँ, सिर्फ मनी बिल में राज्यसभा के सदस्य अमेंडमेंट्स के लिए प्रस्ताव रख सकते हैं। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि वॉट इज अ मनी बिल? Defined in Article 110 of the Constitution, the money bill contains tax proposals telling about the new taxes and changes in rates of existing taxes. It also contains the government's expenditure, revenues and borrowings. Yani ki money bill mein kisi bhi tax ke imposition, abolition, remission, alteration or regulation karne ke power hote hain. अब वापस अपने मुद्दे पर लौटते हैं तो राज्यसभा सदस्य के पास कुछ ऐसे ताकत होते हैं जो लोकसभा सदस्य के पास नहीं होते हैं। राज्यसभा में 245 सीटें हैं और किसी भी विधेयक, जिसे हम बिल भी कहते हैं, उसे पास करने के लिए राज्यसभा में बहुमत चाहिए होता है। और अगर कोई कानून लोकसभा में पास हो जाए और राज्यसभा उसे पास न करे, यानी उस बिल को लाने को लेकर बहुमत ना आए, तो वो विधेयक पास नहीं होता, यानी कि लागू नहीं होता। अब राज्यसभा के 245 सीटों में किसी भी विधेयक को पास करने के लिए 123 वोट लाने पड़ते हैं। अगर विधेयक के हित में 123 वोट आ गए तो मतलब बिल पास होकर एक्ट बन गया है, यानी कि कानून बन गया है। और पिछले 3.5 दशक में किसी भी पार्टी ने राज्यसभा में 123 सीटें नहीं जीती हैं। केवल भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने अप्रैल में थोड़ी देर के लिए 100 का आंकड़ा छुआ था, लेकिन उनके नॉमिनेटेड मेंबर्स में से 5 के रिटायरमेंट के बाद संख्या घट करके 95 हो गई। लेकिन कैसे भी करके एनडीए ने अब तक अपने सारे विधेयकों को कानून बनाने में वो सफल रही है। मिसाल के तौर पर CNRC, फार्म लॉज, आर्टिकल 370 को ही ले लीजिए। अब बात करते हैं मनी बिल के बारे में। मनी बिल के मामले में राज्यसभा का लिमिटेड रोल है। ये मनी बिल में अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर सिफारिश जरूर कर सकते हैं। और लोकसभा इनमें से सभी या इनमें से किसी को भी स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि देश पर अपनी पकड़ बनाने के लिए राज्यसभा में बहुमत चाहिए और उसके लिए विधायकों को खुश करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ विधायक ही हैं जो वोट डालते हैं। और सबसे खास बात जो राज्यसभा की है वो ये है कि यहाँ व्हिप जारी नहीं होता है, जिसका मतलब है कि यहाँ बैठे विधायक फ्री हैं किसी को भी वोट डालने के लिए, चाहे वो उनकी पार्टी का हो या ना हो। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह और आप देख रहे थे अनकट।